नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचल रेसिपी चावल के बबरू, चावल के मीठे बबरू। मीठे बबरू बनाने के लिए लगने वाली सामग्री है, एक बड़ी कटोरी चावल का आटा ले लिया है, छोटी कटोरी चीनी, छोटी कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिससे चावल का बबरू फटता नहीं है। तो सबसे पहले हमने खाली बर्तन लेना है, उसमें हमने चावल का आटा डाल देंगे। फिर हमने गेहूं का आटा लेना है, फिर गेहूं और चावल के आटे को अच्छे से मिला देंगे और उसमें हमने चीनी ले लेनी है। चीनी कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर हमने धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करना है। लगातार चलाते भी रहें जिससे कि आटे की गुठलियां ना बने। ऐसे फेटे आपकी मदद से जिससे कि आटा अच्छे से घोल तैयार हो जाए और मिल जाए। एक मिनट तक लगातार चलाते रहे हाथ से। एक मिनट हो चुका है, घोल इतना पतला रखना है, ज्यादा गाढ़ा इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने आधे घंटे के लिए इसको रखना है। इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। घोल को आधा घंटा हो चुका है, इसको थोड़ा कच्ची की मदद से मिलाएंगे। गैस को ऑन करना और तवे को रखना है। आंच को मध्यम रखें और इसको बबरू को सरसों के तेल में पकाया जाता है। एक चम्मच सरसों का तेल लेंगे और उसको ऐसे तवे पर फैला देंगे। थोड़ा तवे को गर्म होने देंगे। घोल भी देखिए आधे घंटे में हमारा गाढ़ा हो चुका है। तवा गर्म हो चुका है, अब हमने कड़छी की मदद से इसको तवे पर डाल देंगे। आराम से उसे निचले वाले हिस्से से फैलाना है। एक तरफ से पक जाए और ऊपर से सूख जाए तो पलटना है। कुछ बूंदे हमने थोड़ी सी चारों तरफ देनी है, डालनी है बबरू के। ये देखिए पूरी तरह से पक चुका, सूख चुका है एक तरफ से। अब इसको हमने एक तरफ पलट देना है। Thank you.
ऊपर से थोड़ा सूखा है इसलिए थोड़ा तेल लगाएंगे। कटोरा की मदद से हमने किनारे थोड़े दबाने हैं जिससे कि वो बबुल बहुत अच्छे से पक जाए। इसको हमें पलट देना है। दूसरी तरफ से भी ऐसे दबाएंगे ट्राइडूला की मदद से बबलू को ताकि वो अच्छे से पक जाए, करारा भी बने। बबलू बन चुका है, इसे थोड़ा तेल डालेंगे। कड़छी की मदद से डालेंगे। निचले हिस्से से इसे चलाएंगे। ऐसे हमने बाकी बबलू भी बना रहे हैं। हिमाचल रेसिपी चावल के आटे के मीठे बबलू बनके तैयार है। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।